नमस्ते इंडिया, मैं शालिनी आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम सीखने वाले हैं ट्रेंडिंग पफी स्लीव्स साथ में ब्लाउज की कटिंग। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ पे मैं आपको एक बात समझाना चाहूंगी कि ये जो ब्लाउज है पफी स्लीव्स वाला, ये थोड़ा स्लीवलेस टाइप ब्लाउज है हमारा। इसमें हमारी अलग से स्लीव्स नहीं लगनी है, तो इसमें जो है ना आर्मोल हमारी खुली दिखेगी। अगर हमने यहाँ पर स्लीव्स नहीं लगाई तो आर्मोल हमारी खुली दिखेंगी, तो इसलिए ये थोड़ा ब्लाउज में स्लीवलेस टाइप कट करूँगी, जिस प्रकार से हम स्लीवलेस ब्लाउज कट करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने 6 इंच शोल्डर लिया है, 6 इंच पर मैं आर्मोल का निशान लगाऊंगी। देन यहाँ से अब मैं छाती का मार्क करूंगी, तो मेरे जैसे चेस्ट है 32 इंच, उसमें 8 इंच सिलाई मार्जिन, 8 इंच चौथाई भाग जो होता है 8 इंच होता है, और आप 1.5 से 2 इंच तक यहाँ पर सिलाई मार्जिन के लिए ले सकते हैं। कमर है मेरी 6.5 इंच, उसमें 1 इंच सिलाई सॉरी 1 इंच में टक्स के लिए प्लस करूँगी है, 2 इंच यहाँ पर सिलाई मार्जिन के लिए प्लस होगा। यहाँ से आर्मोल के लिए मैं 1.25 इंच पर मार्क करूँगी। इसके लिए शोल्डर में 3 इंच पर रखूंगी। देन यहाँ से गला हमें लगाना है, मेरा बैक गला थोड़ा डीप होगा, थोड़ा नहीं ज़्यादा ही डीप होगा, क्योंकि मुझे लपेटा स्टाइल में ये ब्लाउज बैक का स्टिच करना है। अब यहाँ पर पहले मैं 3.5 इंच पर एक निशान लगाऊंगी, कितना 3.5 इंच पर, दोनों तरफ से यहाँ पे मैं 3.5 इंच लेना है। और यहाँ से मैं वी शेप का इसे थोड़ा डाउन लेते हुए गला मार्क करूँगी। ये हो गया हमारा बैक पार्ट। इसी पे नीचे देखिए, मैंने जैसे आपको बताया मैंने फोल्ड कट करके कपड़ा रखा है, तो बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट मैं दोनों यहाँ पे निकाल रही हूँ। आप इसके बाद ये जो है ये बैक पार्ट उठाकर फ्रंट पार्ट में प्रिंसेस कट या टक्स वाले ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर मेरा दूसरे टाइप का ब्लाउज है जैसे आपने देखा, तो मैं यहाँ पर अलग कटिंग करूँगी, तो इसीलिए मैं यहाँ पर फ्रंट और बैक दोनों एक साथ कट कर लूँगी। बस यहाँ पे फ्रंट वाला गला और आर्मोल हमें चेंज करनी है। अब ये 3.5 इंच तक मैं यहाँ पर पहले गला यहाँ पर ये कट कर लेती हूँ, और फिर मैं यहाँ पर फ्रंट वाला गला अलग निकाल कर आपको कट करके दिखाऊंगी। तो आपको जो है ये हमने जो ये 3.5 इंच वाला ऊपर का पार्ट लिया है, इस पार्ट को यहाँ से कट कर देना है। और आपको ये ध्यान रखना है कि इसी पार्ट के मेजरमेंट से हम जो ऊपर वाली प्लीट से पफ वाली वो निकालेंगे, तो इसे हमें संभाल के रखना है। या तो फिर ये ध्यान रखना है आपको कि आपने ये 3.5 इंच की निकाली है, तो आप 3.5 इंच ही बराबर हम ऊपर का निकालेंगे। अब यहाँ से मैं ये बैक पार्ट उठा निकाल लेती हूँ। बैक का गला हम कट करके रख देते हैं। ये बैक पार्ट मेरा कंप्लीट। अब फ्रंट पार्ट, फ्रंट पार्ट में आपको यहां से थोड़ी आर्मोल को छाट लेना है। इस तरह से और अभी यहाँ पर सामने का गला आपको मार्क कर देना है। जैसे ये ऊपर हमारा यहाँ से 3.5 इंच था, आपको कितना गला चाहिए यहाँ पे आप मार्क कर सकते, और यहाँ से आप जो भी शेप रखना चाहें आप रख सकते हैं गले का। अब ये हमारा फ्रंट है और ये हमारा बैक है। अब यहाँ पर आपको और एक काम करना है, ये जो फ्रंट पार्ट है इस पार्ट को अलग पेपर पे थोड़ा ड्रॉ कर लेना है।
एक एक इंच के सारे निशान लगा देते हैं ऐसे। हम इन निशानों को हम सीधा सीधा कट करेंगे। ये हमारा कपड़ा हमने फोल्ड कर लिया है। आपके पास जितना भी चौड़ा कपड़ा हो, आप चौड़ा जितना रखना चाहे रख सकते हैं, बट आपको लंबाई जो है, देखिए हमने ये 3.5 इंच के जो छोटे टुकड़े निकाले थे ऊपर से, तो इसी के हिसाब से हमें आगे पीछे का, जैसे 3.5 इंच और 3.5 इंच का डबल कितना होता है, 7 इंच, और उसमें हमें 1 इंच जो है सिलाई मार्जिन के लिए प्लस करना है। यहाँ पे हम दोनों तरफ से जब स्टिच करेंगे तो सिलाई मार्जिन के लिए 1 इंच प्लस करके ये हमारा हो जाएगा कपड़ा 8 इंच का। तो इसे हम कट कर लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने 8 इंच का कपड़ा यहाँ पर कट कर लिया है। ये मेरे पास जितना कपड़ा था उतना चौड़ा मैंने इसका मैंने देखिए ऐसा चौड़ा लिया है। आपके पास ज़्यादा होगा तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। इसके बाद इसके 2 टुकड़े कर दिए हैं मैंने, तो ये हमारी यहाँ पर 2 स्लीव्स जो हैं रेडी हो गई है। इसके बाद मैं इस कपड़े में से बैक पार्ट निकाल लेती हूँ और बाकी का बचे हुए कपड़े में आपको फ्रंट पार्ट लगा के समझाती हूँ। यहाँ पे आपको आधा आधा इंच की गैप रख देनी है, आधा पौन इंच की। आपके पास जितना भी कपड़ा हो उस हिसाब से आप ये गैप एडजस्ट कर सकते हैं। अब इस पूरे पेपर को हम उठा लेते हैं। अब देखिए, ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है, तो फ्रंट वाले पार्ट को हमें शोल्डर के बीच में ऐसे टक्स देना है। आप अगर सिंगल टक्स वाला भी ब्लाउज सिलते हैं तो आपको इसी तरह से कर लेना है। इसका आई हुक के लिए ओपन बैक में होगा, फ्रंट ओपन नहीं होगा। अगर आप प्रिंसेस कट लगाना चाहें तो आप यहाँ से इसे ऐसे प्रिंसेस कट भी लगा सकते हैं। इस तरह से ठीक है। अभी मैं यहाँ पर क्या करूँगी, बस दोनों साइड में थोड़ा टक्स लगा दूंगी ताकि हमारा बस्ट का जो एरिया है तो बराबर बैठ। अब यहाँ पर आपको ये हमने जो पार्ट निकाला है फ्रंट वाला, अगर यहाँ पे कहीं पे कम ज़्यादा होता है आपको ऐसे सेंटर से देखिए पहले से दोनों पार्ट्स को मिला लेना है गले की सेंटर से, और यहाँ से थोड़ा हमारा कम ज़्यादा हो गया, ऐसे कम ज़्यादा अगर आपका हो जाता है तो आपको थोड़ा सा ये बराबर शेप में कट कर लेना है। और इसका ये सेंटर है। अब पहले हम क्या करेंगे, इस पार्ट पर ऐसी प्लीट्स लगाएंगे।
अब इस पार्ट को हम, इस फ्रंट वाला ये हमारा सीधा पार्ट है और इस पार्ट को हमें इसे उल्टा रखना है और नीचे से यहाँ से आपको ये सिलाई लगा देनी है। अब यहाँ पर हमने गला और शोल्डर दोनों को पैक कर लिया है और अब इसे सीधा कर लेंगे। गले और आर्मोर को पहले फिनिश कर लेना है। आपको ध्यान रखना है शोल्डर हम यहाँ पर खुली रखेंगे और साइड का फिटिंग का साइड भी हम यहाँ पर ओपन ही रखेंगे। अब इसे हम ऐसे एकदम पास पास में जमा करते हुए पीटे लगा लेंगे। अब आपने देखिए जैसे हमारा बैक वाला शोल्डर है ये, तो इसे इस तरह से ऐसे ये साइड फिटिंग वाली साइड से ऐसे बाहर निकालना है और इस प्लेट को भी इसके अंदर ऐसे लेना है, इसके अंदर से इस तरह से लेना है। ले लिया हमने इसे, अंदर से लेना है हमको। और ऐसे बराबर रखते हुए इसको आधा इंच तक हमें सिलाई दे देनी है। ये देखिए ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। अब इसे यहाँ से फिटिंग वाले, ये जो फिटिंग वाला साइड है इसका, यहाँ से हमने इसे हाथ इससे निकाल के उल्टा करना है और उल्टा करने के बाद ये उल्टा किया हमने और फिर इस स्लीव्स को ऐसे लेके आना है इधर ऐसे। और यहाँ पर बराबर सेट करके सिलाई लगानी है। और ये हमारी अब ये पफ स्लीव्स यहाँ पे लग गई है। दोनों साइड से ऐसे हम ये पफ स्लीव्स लगा लेंगे। अब यहाँ पर हमारी दोनों स्लीव्स लगाकर कंप्लीट हो जाती हैं और अब ये हमारी यहाँ पर फिटिंग भी लगाकर कंप्लीट हो गई है। तो आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता।